कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने मन में हमेशा एक आदर्श को लेकर बड़ा होता है, जिस जैसा वो बनना चाहता है, वो उसके लिए आइडियल होता है। पहले लोगों के बच्चों के आदर्श थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस जी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी माँ कित्तूर चिनम्मा जैसे आदर्श थे और वो उन जैसा ही बनना चाहते थे। आज बच्चों के आदर्श भी बदल गए हैं, मोबाइल टीवी का जमाना है, विज्ञापन पर जो दिखता है वही उनका आदर्श हो जाता है और बच्चे अपना चरित्र भी बाद में वैसा ही बनाते हैं अपने आदर्श जैसा। एक एक्ट्रेस है जिसकी ये फोटो वायरल हो रही है, स्क्रीन पर आप फोटो भी देख रहे होंगे, यूनिसेफ की ये ब्रांड एम्बेसडर है, काफी बड़ी हीरोइन अपने आप को मानती है। दिवाली का जब समय आता है तो इसका अस्थमा बढ़ जाता है और ये इतनी मार्मिक अपील करती है लोगों से कि अगर किसी ने एक भी पटाखा जलाया तो ये अस्थमा की वजह से मर जाएगी। खैर, मैं भी पटाखे जलाने के समर्थन में नहीं हूं, हमें नहीं जलाने चाहिए, इससे परेशानी होती है लोगों को, लेकिन इसका अस्थमा तब कहां जाता है जब ये सिगरेट फूंक रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसने सिगरेट कंपनी वालों से बात की है और ऐसी सिगरेट बनवाई हो स्पेशली, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं रहती। हाँ, लेकिन ये है असम की, अगर बाढ़ हो तो ये सिर्फ ट्वीट करके काम चला लेती हैं, इनको डोनेशन वगैरह देने में थोड़ा सा शायद इनके पास फाइनेंशियल फंड्स की कमी आ जाती है। खैर, वो सिगरेट वाली बात पर आते हैं कि इन्होंने सिगरेट कंपनी से बात करके हो सकता है ऐसी सिगरेट बनवाई हो जो इनको ऑक्सीजन देती हो और इनके अस्थमा को कंट्रोल करती हो। खैर, इन सब में मैं इनकी गलती नहीं मानता हूँ, मैं गलती मानता हूँ आपके और मेरे जैसे लोगों की, मैं गलती मानता हूँ देश में उन लोगों की जो इन लोगों को फॉलो करते हैं। हमारे देश के हमारे बच्चे अगर इन जैसों को देखकर बड़े होंगे तो इन्हीं जैसे बनेंगे। प्रियंका चोपड़ा के बारे में सब जानते हैं, जिसने क्वांटिको सीरियल में सनातन धर्म का अपमान भी करवाया था। ये बाहर जाते हैं, इनको एक स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें सनातन धर्म का जो है व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है और ये उस स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, खुद उसी धर्म से आने के बावजूद सनातन धर्मी है, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको पैसे चाहिए। दिवाली पर अस्थमा उभर के आ जाता है, बाद में सिगरेट पी लो, कैमरे के सामने कुछ और पीछे कुछ और, दोहरा चरित्र है, चरित्रहीन ही बनेंगे अगर बच्चे इनको फॉलो करेंगे तो। हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को किस तरफ लेकर जाना है, क्योंकि चिंताजनक स्थिति में है देश। एक आंख मारने से ट्विटर पर हीरो बन जाते हैं इसी देश में, और कोई फॉलो नहीं करता, हमारे देश का यूथ ही फॉलो करता है, तो देखिए वो कहां जा रहा होगा। हमें बच्चों को सही रास्ते पर लाना है, सही व्यक्तियों के बारे में बताना है ताकि वो उनके आदर्श बने। हमें बच्चों को बताना है इन हीरोइन के बारे में नहीं, हिमा दास जैसे बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में। प्रियंका चोपड़ा की कुंडली सबको पता होगी, लेकिन हिमा दास के बारे में कोई नहीं जानता। हिमा दास ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट किया है और सम्मान दिलवाया है। हिमा दास का जन्म नगांव जिले असम में हुआ है। इनके पिताजी का नाम रणजीत दास है, जो एक किसान है, एक किसान की बेटी ने इतना बड़ा कारनामा किया है। दृढ़ संकल्प और निश्चय की कहानी है हिमा दास। जब इनके कोच ने इनके घर से 140 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में इनको ट्रेनिंग के लिए ले जाना चाहा तो इनिशियली इनके घर वालों ने मना किया था, तब इनके कोच की और इनकी रिक्वेस्ट की वजह से और संकल्प की वजह से इनको जाने दिया गया था। उसके बाद इस लड़की ने इतना बड़ा काम किया है। ये कहानियां हमें अपने बच्चों को सुनानी होंगी। असम की बाढ़ के लिए, जहां इस प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्री के पास काफी दिनों के बाद सिर्फ समय मिला ट्वीट करने के लिए, मदद करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ट्वीट करने के लिए, वहीं हिमा दास जैसी लड़की ने, जो एक गरीब परिवार से आती है, अपनी आधी सैलरी असम की बाढ़ के लिए दे दी है। अब मुझे बताइए कि ट्विटर पर फॉलो किसे होना चाहिए, हिमा दास को या इन एक्ट्रेसेस को? फेसबुक पर किसे फॉलो होना चाहिए, हिमा दास को या इस पर इन अभिनेत्रियों को? इंस्टाग्राम पर किसका ट्रेंड चलना चाहिए, ट्विटर पर किसका ट्रेंड चलना चाहिए? हिमा दास जैसी लड़कियों का, ताकि हमारे बच्चे इनके बारे में जाने और चरित्रवान बने। सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, अगर अपने में अपने बच्चों में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर देश को समाज को एक सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो चीजें बदलनी पड़ेंगी। मैं अक्सर
गांव में, चौपाल में और शहरों में सीनियर सिटीजन क्लब में देखता हूं कि लोग ताश पीटते हुए ये कहते हैं, आजकल पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है, वो बड़ों की इज्जत नहीं करते, चरित्रहीन हो गए हैं। लेकिन मैं उनसे सवाल भी पूछता हूं कि आपने अपने बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए किया क्या है? तो सबके मुंह पर ताले होते हैं, क्योंकि ताश पीटने से बच्चे चरित्रवान नहीं होंगे। अगर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अगर उनको योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे चरित्रवान बनाना है बच्चों को, तो उनके जैसे ज्ञान भी देना होगा हमें बच्चों को, तभी हमारे बच्चे ऐसे बन सकेंगे। अगर प्रियंका चोपड़ा की फिल्में देखेंगे तो बड़े होकर हमारे घर की बेटियां सिगरेट ही पिएंगी, लेकिन अगर वो हिमा दास के बारे में जानेंगी तो वो चरित्रवान बनेंगी। पैसा हो ना हो, गरीबी हो, लेकिन वो भारत के बारे में सोचेंगी, भारत का सम्मान दिलाने के बारे में सोचेंगी। खैर, निर्णय आपका है, क्योंकि बच्चे भी आपके हैं, उनको जैसा बनाना चाहते हैं बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, मॉडर्न इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।